एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिवे बाई को उसके घर पर ड्रॉप करता है। अब जब बाई अपने घर में जाती है तो उसे उसकी मॉम कहीं पर नजर नहीं आती, इसीलिए वो उसे फोन लगाने लगती है। तभी उसे बाहर से काफी सारे लोगों की आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो यहाँ पर काफी सारे लोग मॉम को फ्रॉड कह रहे थे। बाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो मॉम से सारी बात पूछती है, जिस पर वो उसे रोते हुए बताती है कि ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जिसमें मैंने अपनी कुछ सेविंग्स इन्वेस्ट की थी और उससे मुझे प्रॉफिट भी हुआ था। जब मेरे प्रॉफिट वाली बात सभी को पता चली तो उन्होंने भी मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा, जिसके बाद मैंने सभी लोगों के साथ साथ अपनी सारी सेविंग भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर दी। पर जब इस महीने डिविडेंड पे करने की बारी आई तो उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया, और जब मैंने कंपनी में जाकर देखा तो वो कंपनी सील हो चुकी थी, जो बताते हुए मॉम खुद को संभाल नहीं पाती। उनकी ये हालत जानने के बाद सभी उनसे कहते हैं कि हम कल पुलिस स्टेशन चलकर इस सब के बारे में कंप्लेंट करेंगे। फिर वो सभी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद मॉम को अपनी गलती पर काफी पछतावा हो रहा था, जिन्हें बाई बताती है कि ये सब फाइनेंशियल स्कैम होते हैं, जिसमें पहले कुछ इन्वेस्टर्स को ये लोग जानबूझकर प्रॉफिट दे देते हैं ताकि वो उनके ट्रैप में फंसकर और बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करें। जो जानने के बाद मामा और रोने लगती हैं कि अब उन्हें उनकी सेविंग्स कभी वापस नहीं मिलेगी। तो बाई उन्हें हिम्मत देती है कि हम फिर से पैसे सेव कर लेंगे। दूसरी तरफ शिव बाई की वीडियो देखकर काफी मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे भी बाई के साथ रहने में अच्छा लगता था। सीन अब वापस से बाई पर आता है, जो देखती है कि उसकी मॉम अभी तक काम कर रही है, इसलिए वो उन्हें कुछ खाने को देती है। पर मॉम ये हिसाब लगा रही थी कि उन्हें कितने का लॉस हुआ है, और जब उन्हें अमाउंट पता चलता है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि लॉस 3 लाख युआन से भी ज्यादा का था। जिस पर बाई पूछती है कि उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तो मॉम बताती है कि मैंने अब तक की सारी सेविंग्स, प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट और जो पैसे तुम्हारे शो से आए थे वो भी इन्वेस्ट कर दिए थे। ये सुनकर बाई हैरान हो जाती है कि उन्होंने अपनी आंखों के इलाज के बारे में उसे झूठ कहा था। मॉम उसे बोलती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही थी क्योंकि तुम अब्रॉड जाकर पढ़ना चाहती थी, जिसके लिए काफी सारे पैसों की जरूरत होगी। पर बाई यहाँ पर गुस्सा करने की जगह शांति से काम लेती है और उनसे कहती है कि उस कंपनी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर हम पुलिस के पास जाएंगे, जिसके बाद वो अपने रूम में जाकर सारी रात उससे रिलेटेड डिटेल्स ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हम तांग को देखते हैं, जो कि ठीक होने के बाद ऑफिस में वापस आ जाती है और उसे वापस देखकर सभी लोग काफी खुश। जब तांग युशेंग से मिलने के लिए जा रही होती है तो लियू किसी बहाने से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तांग उसके कैबिन में चली जाती है जहां वो युशेंग और शिनजिंग को एक दूसरे के साथ काम करता हुआ देखती है। तभी वो शिनजिंग के गले में भी वही नेकलेस देखती है जो कि युशेंग ने उसे दिया था, इसलिए वो गुस्से में अपने कैबिन में चली जाती है और जोर से अपना बैग फेंकती है, जिसकी आवाज सुनकर सभी एम्प्लॉयज उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज वॉशरूम में युशेंग और शिनजिंग को लेकर बात कर रहे थे कि वो कितनी जल्दी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिनकी ये सारी बात भी तांग सुन लेती है। और अब वो गुस्से में युशेंग के कैबिन में जाती है जहाँ वो उससे बोलती है कि मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, जिससे युशेंग को लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। पर तांग कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी, जिसका गुस्सा युशेंग को समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे कुछ और दिन की छुट्टी दे देता है। अब जब तांग वहां से जाने लगती है तो वो लियू से कहती है कि मैं एक लॉन्ग वेकेशन पर जा रही हूँ, इसलिए वो उसे अच्छे से काम करने के लिए कहती है। फिर वहां से जाने से पहले युशेंग का दिया हुआ नेकलेस तोड़कर अपने गले से निकाल देती है और चली जाती है। सीन अब बाई पर आता है, जो कि रेस्टोरेंट में काम करने की वजह से स्टूडियो लेट पहुंचती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लग जाती है। पर तब तक बॉस उन्हें डबिंग के लिए बुला लेते हैं, जिससे बाई को टाइम ही नहीं मिल पाता, इसलिए डबिंग के दौरान वो छोटी छोटी गलतियां कर रही थी जिससे उसे बार बार रीटेक देना पड़ रहा था। इस वजह से उसके बॉस उस पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे बोलते हैं कि क्या तुम अभी वॉइस एक्ट्रेस बनना चाहती हो या फिर नहीं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो तुम्हें उसे स्टूडियो के अंदर जानने से पहले भूलना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे काम पर असर करेगा। जिनसे माफी मांगकर बाई अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लग जाती है, जहाँ मोई उसे संभालने आती है और बताती है कि मिस्टर शु हमेशा गुस्से में ही रहते हैं। तभी वहाँ पर बाई के साथ काम करने वाली एक लड़की आती है, जो कि उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी वजह से हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, जिसके लिए वो उसे माफी मांगती है। पर वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। फिर मोई भी उसे थोड़ा अकेला छोड़कर बाहर चली जाती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि बाई काफी परेशान है। जिसके जाने के बाद बाई रोने लगती है, क्योंकि वो चीज़ों को जितना भी ठीक करने की कोशिश कर रही थी वो इतना ही खराब होते जा रही थी। अब वो वापस से रेस्टोरेंट में जाकर अपना पार्ट टाइम जॉब करती है, जहाँ पर लीटियान वहाँ बैठकर उसे देख रहा था। तो बाई उसे पढ़ने के लिए कुछ जापानीज बुक्स देती है ताकि वो इम्प्रूव कर सके। अब पूरे दिन काम करने के बाद वो बस स्टॉप पर तांग को फोन करती है, पर उसका फोन कनेक्ट नहीं होता, जिसके बाद वो शुकवे को कॉल करती है, पर फिर जल्दी से उसे कट कर देती है। इतने में उसकी बस आ जाती है, जिसमें बैठकर वो यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब बाई रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, तब एक कपल खाने में लवर्स पैकेज ऑर्डर करते हैं। उनके इस ऑर्डर के हिसाब से बाई उनके लिए डांस करती है। इतने में पीछे से लीटियान आ जाता है, जो कि उसे इस तरह डांस करते हुए देखकर काफी खुश होता है। फिर वो उसे बोलता है कि तुमने मेरे लिए तो कभी ऐसा डांस नहीं किया, तो वो उसे बताती है कि ये सिर्फ ऑफर के साथ कपल के लिए ही होता है। तो लीटियान अपने लिए भी कुछ ऑर्डर करता है और उसे बाम देता है।
ताकि अगर काम करते हुए कभी अगर उसका हाथ चले तो वो उसे यूज कर सके। अब लीडियन को फिर से यहाँ पर देखकर बाई के साथ काम करने वाले लोगों को लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, जिस पर बाई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा छोटा भाई की तरह है। और फिर वो उसका ऑर्डर लेकर जाती है, जिसके आते ही लीडियन उसे दिखाता है कि उसने यहाँ पर अब तक 10 मेड कार्ड्स कलेक्ट कर लिए थे, इसलिए अब बाई को उसके साथ एक गेम खेलनी होगी। और वो उसे यहाँ पर अपने डांस करने के लिए कहता है, पर बाई बताती है कि ये ऑफर उसके लिए नहीं है, इसलिए फिर ये दोनों एक दूसरा गेम खेलते हैं, जिसमें अगर बाई हारी तो उसे डांस करना पड़ेगा। और होता भी ऐसा ही है, बाई उसमें हार जाती है, इसलिए लीडियन फ़ोन में उसकी डांस वीडियो रिकॉर्ड करता है। काम करने के बाद बाई बुक स्टोर में जाती है, लेकिन जो बुक उसे चाहिए थी वो वहाँ पर नहीं आ रही थी। इतने में पीछे से शोवे वहाँ पर आता है, जिसे बाई को ऐसे देखने में मजा आ रहा था, फिर वो उसकी हेल्प करता है बुक लेने में। अब जब बाई जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है, लेकिन वो उसके हाथों के नीचे से निकल जाती है। जब बाई बुक्स ले रही थी तब शोवे को स्टूडियो से फोन आता है, वो उसे बताते हैं कि एक वायलिन ऑर्डर में कुछ चेंजेस आए हैं और क्लाइंट उसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, तो शोवे उसे 2 दिन का टाइम देता है। तब ये नोटिस करता है कि बाई ने पहले काफी बुक सिलेक्ट की थी, पर वो एक ही बुक लेकर जा रही थी, लेकिन वो उसको भी वापस कर देती है। तो शोवे उन सारी बुक्स को ले लेता है और उसके पीछे जाकर उसे पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती, जिसके बाद शोवे उसे घर पर ड्रॉप करता है, पर बाई कार में ही सो गई थी, इसलिए वो उसे अपनी जैकेट से कवर कर देता है। इतने में वहाँ पर बाई की मॉम आती है, जिनकी नोटिस करने से पहले शोवे बाई को अपने साथ ले जाता है और उसी एरिया में थोड़ी देर तक गाड़ी घुमाता रहता है। जब बाई की आँख खुलती है तो वो वापस आ चुकी थी, और जब वो जाने लगती है तो शोवे उसे वो बुक्स गिफ्ट करता है जो कि उसने आज स्टोर के अंदर छोड़ दी थी। इसके बाद जब शोवे अपने घर पे पहुंचता है तो उसे काफी अकेला महसूस हो रहा था, इसलिए वो बाई को झूठा मैसेज कर देता है कि कैट कहीं पर मिल नहीं रही है, और फिर वो उसे खुद ही अलमारी में छुपा देता है। शोवे को ये मैसेज देखने के बाद बाई उसकी मदद करने के लिए वहां पर आ जाती है, पर वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठा हुआ था, जो देखकर बाई उससे कहती है कि तुम्हें तो उसकी कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए वो खुद ही उसे ढूंढने लगती है, जिसे शोवे बताता है कि मैंने उसे ऊपर हर जगह पर चेक कर लिया है, बस नीचे चेक नहीं किया है। तो वो उसे भी कैट को ढूंढने के लिए कहती है, पर वो काफी चिल मूड में पानी पीने लगता है, इसलिए बाई सब जगह नीचे चेक करती है, लेकिन इसके बाद वो ऊपर जाकर चेक करती है तो शोवे भी उसके पीछे पीछे जाता है कि कहीं वो उसे ढूंढ ना ले। अब जब बाई रूम में उसे ढूंढ रही थी तभी उसे कैट की आवाज आ जाती है। जब वो अलमारी खोलती है तो उसमें उसे कैट मिल जाती है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वो शोवे की सारी शर्ट को फिर से अरेंज कर देती है, क्योंकि कैट ने उन्हें पूरी तरीके से खराब कर दिया था। अब क्योंकि बाई का काम हो गया था इसलिए वो वापस जाने लगती है। शोवे उसे कहता है कि मुझे भी स्टूडियो के लिए कॉफी बीन्स चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें कैफे तक ड्रॉप कर देता हूँ। जब बाई वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि लीडियन पहले से ही वहाँ पर मौजूद है, जो कि इन दोनों को साथ में देखकर बाई से पूछता है कि तुम्हारे बीच सब कुछ खत्म हो गया था ना, फिर तुम उसके साथ क्यों हो? जिस पर बाई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मुझे यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आया था। और वो उसे सूट पहनने का कारण पूछती है, जिस पर लीडियन कहता है कि ये सूट उसने आज एक कॉन्टेस्ट के लिए पहना है, लेकिन उसे टाई बांधनी नहीं आती थी, पर टाई बांधना उसे भी नहीं आता था, इसलिए वो ऑनलाइन देखकर उसे टाई पहनाने लग जाती है, जिसे लीडियन को काफी अच्छा लग रहा था, पर शोवे ये सब देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो बाई को साइड करके खुद ही उसकी टाई बांधने लगता है, जिसे लीडियन का तो चेहरा ही उतर जाता है। फिर शोवे उसे जाते जाते बोलता है कि कम से कम तुम्हें टाई बांधनी तो आनी ही चाहिए, जिसके जाने के बाद ये दोनों अपने लेसन्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब रात में हम तांग को देखते हैं, जो कि अपना एनुअल लीव का फॉर्म भर रही थी, पर फिर वो रुक जाती है और बाई को फोन करके बीच पर मिलने के लिए बुलाती है। बीच पर पहुंचने के बाद तांग उस सब के बारे में ही सोच रही थी जो कि ऑफिस में हुआ था। इतने में वहां पर बाई भी आ जाती है, जो तांग को उदास देखकर समझ जाती है कि उसे क्या हुआ है, इसलिए वो उसके लिए गाना गाने लगती है ताकि वो अपने प्यार में हिम्मत से काम ले। तो तांग भी उसके साथ गाना गाने लगती है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो उसे बोलती है कि काश मेरे पास ऐसी पावर होती जिससे मैं सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ये जान सकूं। और यहां पर वो यूशेंग की बात कर रही थी, पर फिर वो कहती है कि इसमें यूशेंग की वैसे भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये मैंने सिर्फ अपनी साइड से माना है कि हम रिलेशनशिप में हैं। जिस पर बाई कहती है कि हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए बना ही ना हो, जिसकी ये बात तांग को भी सही लगती है। और वो उसे बताती है कि मैं कुछ टाइम सारी प्रॉब्लम से दूर अकेले रहकर ही जानना चाहती हूँ कि मेरे मन में आखिर चल क्या रहे। इसके बाद वो दोनों कुछ टाइम वहीं पर साथ में एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन हम शोवे को देखते हैं, जो कि यांग को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जरूर आऊंगा। ये सुनकर वो काफी खुश होता है कि उसके बॉस अपने सारे बिजी काम छोड़कर उसकी खुशी में शामिल होंगे। लेकिन यूशेंग पहले शर्त रखता है कि उसे बाई को भी इनवाइट करना होगा, जिसके लिए वो मान जाता है।
और ये सब शोए बस इसीलिए कर रहा था ताकि वो किसी न किसी बहाने से बाई से मिल सके। इसके बाद वो यांग की फोन से बाई का नंबर डायल करता है और उसे स्पीकर पर ही बात करने के लिए कहता है। इधर बाई ध्यान को लेसन दे रही थी, जब वो फोन उठाती है तो यांग उसे अगले मंडे अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करता है, जिसके लिए वो थोड़ा हिचकिचा रही थी, पर यांग उसे मना ही लेता है और उसे पार्टी की लोकेशन सेंड कर देता है, जिस सब के लिए टियान भी काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा था। अब बाई घर आने के बाद हिसाब लगाने लगती है, इतने में उसकी मॉम वापस आ जाती है जिन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। बाई के पूछने पर मॉम बताती है कि वो लॉयर से मिलने के लिए गई थी, जिन्होंने कहा कि शायद अब हमारे पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे। जो बताते हुए मॉम रोने लग जाती है और बाई से माफी मांगती है। ये सुनकर बाई को भी बुरा लगता है पर वो मॉम को हिम्मत देते हुए कहती है कि हमें इसे एक सबक की तरह लेना चाहिए। मॉम बोलती है कि इन हालतों में उसे अब्रॉड जाकर पढ़ने के बारे में सोचना सही नहीं होगा, इसलिए वो उसे यहीं पर रुककर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए समझाती है। पर बाई फिर भी कोशिश करना चाहती थी ताकि लाइफ में आगे चलकर उसे कभी रिग्रेट ना हो कि उसने कोशिश ही नहीं की, जिसकी ऐसी बात सुनकर मॉम को भी खुशी होती है। फिर वो डिनर रेडी करने के लिए चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जांग उस कैफे में जाती है जहाँ पर बाई पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। यहाँ वो उसे हर छोटी चीज के लिए परेशान कर रही थी। अब जब बाई उसकी कॉफी लेकर आती है तो उस पर एक कार्टून कैरेक्टर बना हुआ था, जिसे देखकर जांग को लगता है कि बाई उसका मजाक बना रही है और इतनी सी बात को लेकर वो उसे परेशान करने लगती है। वो उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि वो कस्टमर के साथ भला ऐसा कैसे बिहेव करती है। जो सब देखकर वहाँ मौजूद बाकी कस्टमर्स बाई का साथ देते हैं और जांग को बेफालतू में हंगामा करने से मना करते हैं, जिस पर जांग बोलती है कि पहले बाई को मुझे झुककर माफी मांगनी होगी। लेकिन जब बाई ऐसा नहीं करती तो जांग उस पर वही कॉफी फेंक देती है, जिससे बाई खुद को बचा लेती है। ये देखकर शिन बाई के साथ खड़ी हो जाती है और जांग को यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद जांग भी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। सीन अब शोवे पर आता है, जो कि बाई की पोस्ट में देखता है कि कल उसके कैफे में एक कॉस्प्ले इवेंट होने वाला है, जिससे उसे कुछ आइडिया आता है। अब अगले दिन हम बाई के कैफे को देखते हैं जहाँ पर उसके साथ साथ बाकी गेस्ट भी अपने फेवरेट कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम पहनकर आए हुए थे। जब बाई सभी को सर्व कर रही थी तो वहाँ पर टियान भी आ जाता है। इतने में होस्ट बताती है कि सेबेस्टियन कैरेक्टर का कॉस्प्ले आज उनके लिए वायलिन बजाएगा, जिसका सभी तालियां बजाकर वेलकम करते हैं। अब जब वो अपना वायलिन प्ले करते हैं तो लीटियान को उसमें कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो इस सेबेस्टियन के बारे में बाई से पूछता है, पर बाई भी उसे नहीं जानती थी। लेकिन उसका वायलिन सुनकर उसे कुछ डाउट आ रहा था, इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस के बाद वो उसे मिलने के लिए जाती है, पर वो तो जैसे उससे मिलना ही नहीं चाहता था और मौका पाकर वहां से चला जाता है। पर बाई भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और गलती से उसके पीछे पीछे मेल वॉशरूम में भी चली जाती है। पर ये बात पता चलने के बाद भी वो झांकने की कोशिश करती है, तभी वो कॉस्प्ले उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है, जहाँ जब वो अपना मास्क उतारता है तो वो शोभे था, जिसे देखकर वो हैरान नहीं होती क्योंकि उसके वॉयलिन प्ले करने के तरीके से बाई ने उसे पहले ही पहचान लिया था। फिर वो उसे यहाँ पर आने का कारण पूछती है और अभी ये लोग बात कर ही रहे थे, इतने में एक लीडर उनकी आवाज सुन लेती है और उन्हें बाहर आने के लिए कहती है, जिस पर शोवे कहता है कि मैं अभी टॉयलेट यूज कर रहा हूँ, पर क्लीनर ने तो अंदर से दो आवाजें सुनी थी। तो शोवे कहता है कि मैं खुद से बात कर रहा था, पर क्लीनर को डाउट आता है, इसलिए वो नीचे से चेक करता है जहाँ अंदर सच में एक ही आदमी था, क्योंकि शोवे ने पहले ही बाइक को अपने ऊपर बैठा लिया था। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसे अर्जेंटली वॉशरूम यूज करना था, पर सभी वॉशरूम फुल थे, इसलिए वो लास्ट वाले पर्सन को जल्दी से बाहर आने के लिए कहता है। तो शोवे अपना मास्क बाई को पहना देता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जब सभी उन दोनों कॉस्प्लेयर्स को एक साथ देखते हैं तो वो उनकी फोटो लेने लग जाते हैं, जो देखकर लीडियन बाई से पूछता है कि क्या तुम दोनों ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि तुम क्या पहनने वाले हो। इस पर बाई कहती है कि ये बस कोइंसिडेंट है, जिसके बाद ये दोनों एक बीच पर आकर अपनी फोटोज खिंचवाने लग जाते हैं। इतने में एक क्लीनर वहां पर आ जाता है, जो कि उनकी आवाज सुन लेता है। इसके बाद सीन अब यूशेंग और शिनसेंग पर आता है, जिनकी बातों से मैं पता चलता है कि लविंग शो की सीजन 2 के लिए उन्होंने नया स्पॉन्सर ढूंढ लिया है। इसलिए शिनसेंग यूशेंग से पूछती है कि क्या हम पिछले सीजन की पॉपुलर कपल शोवे और बाई को इस बार बुलाएं? तो यूशेंग कहता है कि इस बार में मैं उनसे बात करूंगा। सीन अब शिफ्ट होता है और हम बाई को देखते हैं, जो कि लिटियन के साथ साइकिलिंग करते हुए एक सी व्यू पर पहुंच जाती है, जहां का नजारा उसे काफी पसंद आता है। फिर वो उसे यहां पर लाने का कारण पूछती है, तो वो उसे एक रेड पाउच देता है और बताता है कि ये मुझे किसी ने एज अ गुड लक दिया था ताकि मुझे हर खुशी मिले, पर आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जिसके बाद वो उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर पहले तो बाई थोड़ा सा शॉक होती है, पर फिर वो उसे मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि कोई मुझे पसंद करता है, पर मैंने हमेशा ही तुम्हें अपने अच्छे दोस्त की तरह देखा है। जिसका ये जवाब सुनकर लीटियन को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उसकी फीलिंग्स की कदर करता था और इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। सीन अब शिफ्ट होता है और हम तांग को देखते हैं, जो अपना फोन चेक करती है तो उसमें यूशेंग ने उसे मैसेज करके बताया हुआ था कि उन्हें लविंग शो की सीजन 2 के लिए इन्वेस्टर मिल गया है और इसलिए वो शोवे और बाई को फिर से बुलाकर एक साथ कपल की तरह परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं।
जिस सब के लिए उसे उसकी मदद चाहिए। तो तांग युशेन को फोन करके सारी बातें डिस्कस करती है कि वो बाई और शोवे को फिर से शो में आने के लिए कैसे मनाएंगे। अब यहाँ पर युशेन उससे काम के अलावा कुछ और बात भी करना चाहता था, पर पीछे से शिनजिंग आ जाती है जिसकी आवाज सुनकर तांग फोन रख देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि तांग बाई को फिर से पार्टिसिपेट करने के लिए मनाने लग जाती है, जिसके लिए वो उससे पूछती है कि या तुम अपना डेट पे करके अब्रॉड स्टडी करना चाहती हो, जिस पर बाई हाँ करती है। तो तांग उसे लविंग शो के सीजन 2 के बारे में बताती है, जिसे जीतने वाले कपल को 5,00,000 युआन प्राइज मनी मिलेगा और सीजन 2 में उसके साथ शुवे भी एज अ कपल इन्वाइटेड है। तो बाई हिचकिचाते हुए मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की इस वक्त काफी जरूरत थी, पर वो सोच रही थी कि शुवे मानेगा या फिर नहीं, जिस पर तांग बोलती है कि इसका ध्यान युशेंग रख लेगा और पिछली बार की तरह इस बार भी तुम दोनों को लिव इन में रहना होगा, जिसके लिए बाई को मानना ही पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शुवे बाई को उसके स्टूडियो से पिक करने के लिए आता है, जहाँ पर बाई काफी खुश थी क्योंकि उसके काम की तारीफ हुई थी, जिसका क्रेडिट वो शुवे को देती है क्योंकि लास्ट टाइम उसी ने उसे मोटिवेट किया था। तो वो बोलता है कि मुझे थैंक्स के बदले कुछ और चाहिए, जिस पर वो उसे प्रॉमिस करती है कि उसे जब भी उसकी हेल्प चाहिए होगी वो जरूर करेगी। दोनों अब यहाँ से यांग की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ बाई यांग को हैंडमेड गिफ्ट देती है जो कि उसे काफी पसंद आता है। फिर सभी लोग शुवे को गाना गाने के लिए कहते हैं, लेकिन बाई उसकी जगह जाकर गाने लगती है, जिसके गाने को सबसे ज्यादा शुवे इंजॉय करते हैं। गाने के बाद सभी लोग एक साथ चोर पुलिस का गेम खेलते हैं, जिसमें शुवे बाई की इतने ज्यादा क्लोज आ जाता है कि वो घबराकर रूम से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि लीडियान भी वहां पर आया हुआ है, जो कि आया तो बाई के लिए था, पर वो बोलता है कि यहाँ पर मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी चल रही है। जिस समय पता चलता है कि भले ही बाई ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। इतने में शुवे भी बाहर आ जाता है, जिसे यहाँ पर देखकर लीडियान कहता है कि तुम्हें तो शो के बाद ब्रेकअप कर लेना चाहिए था, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर शुवे पूछता है कि तुमसे किसने कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, हम तो अब भी सीजन 2 में पार्ट लेने वाले हैं। ये देखकर लीटियान का मुंह उतर जाता है। फिर शुवे उसके सामने ही बाई को ड्रॉप करने के लिए ले जाता है। अब घर पहुंचने के बाद जैसे ही बाई कार से उतरती है, तो शुवे उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए उसके साथ चलने लग जाता है। जब बाई उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम शो में फिर से आने के लिए मान जाओगे, मुझे तो लगा था कि तुम कोशिश करोगे कि कम से कम लोगों को तुम्हारी गर्लफ्रेंड वाली बात पता चले। इस पर शुवे कहता है कि तुम्हारा ये ड्रीम था ना कि बाहर जाकर स्टडी करना और वॉइस एक्ट्रेस बनना, जिससे बाई को लगता है कि शुवे पार्टिसिपेट उसी के लिए कर रहा है। इसलिए वो उसे कहती है कि अगर उसकी मर्जी नहीं है तो वो भी उसके लिए क्विट कर सकती है, पर शुवे बताता है कि वो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। इस पर बाई कहती है कि तो तुम ये बात याद रखना कि इस दौरान तुम मेरे प्यार में नहीं पड़ सकते। ये सुनकर शुवे हैरान हो जाता है कि क्या बात कर रही है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि आज के बाद तुम मेरे सिवाय किसी और आदमी से कॉन्टेक्ट नहीं कर सकती, वरना पिछली बार की तरह कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। बाई बोलती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिर शुवे उसे गुड नाइट कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में हम देखते हैं कि सीजन 2 के प्लान के लिए शिनजिंग अपना प्रपोजल टीम के सामने रखती है, पर तांग यहाँ पर उसके प्लान को एक्सपोज कर देती है क्योंकि उसने इस शो में होने वाले टास्क किसी और शो से कॉपी किए थे, जिस बात को शिनजिंग खुद भी एक्सेप्ट कर लेती है। पर गलती मानने की जगह वो कहती है कि आजकल हर कोई यही कर रहा है क्योंकि नए आइडियाज पर काम करके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर इससे स्पॉन्सर्स का पैसा डूबा तो उनके साथ हम भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, जिस बात पर उनकी बहस काफी बढ़ गई थी। इसलिए युशेंग मीटिंग खत्म करके तांग को अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि सीजन 2 की स्पॉन्सरशिप कुछ शिनजिंग ने की है, इसलिए हमें उसके प्लान के हिसाब से ही चलना चाहिए, और उसके प्लान को सपोर्ट करने लगता है कि भले ही उसके आइडियाज दूसरे शो से कॉपी है लेकिन वो आइडियाज अच्छे हैं। अब तांग उसे ऑप्शन देती है कि या तो इस शो पर मैं काम करूंगी या फिर शिनजेंग के आइडियाज इसमें रहेंगे। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम बाई को देखते हैं, जिसे उसकी मम उठाकर बताती है कि कारपेंटर आया है, और यहाँ पर वो शुवे की बात कर रही थी, जो सुनकर वो जल्दी से तैयार होने लगती है और अपनी मॉम को लविंग शो के सीजन 2 के बारे में बताती है, जिसके लिए उन्हें फिर से साथ रहना होगा। ये सुनकर मॉम उसे थैंक्स कहती है कि वो डेट पे करने के लिए इतना कुछ कर रही है। फिर वो शुवे के पास जाती है, जिससे वो कुछ बात करने ही वाली थी। इतने में बाई वहां पर आ जाती है, जो जाने के लिए तैयार थी, पर मॉम उन्हें ब्रेकफास्ट करके जाने के लिए कहती है, जिसके बाद अभी तीनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ मॉम शुवे के खाने पीने का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रही थी, जो बात बाई को काफी अजीब लगती है। ब्रेकफास्ट के बाद शुवे बाई को अपने घर में लेकर जाता है, जहाँ पर पहुंचते ही बाई कैट के साथ खेलने लग जाती है, जो देखकर शुवे को अच्छा लगता है कि बाई वापस उसके घर में आ गई। फिर जब वो अपने रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि शुवे ने उसके रूम को उसके हिसाब से अरेंज करके रखा हुआ था। ये देखकर वो शॉक रह जाती है, लेकिन उसे सब कुछ काफी पसंद आता है, इसीलिए उसे तब बेड पर लेट जाती है। पर शुवे को स्टूडियो में कुछ काम था, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है, जहाँ जांग उसके लिए कुछ हाई क्वालिटी वुड लेकर आई हुई थी, इसीलिए जांग उसे बाहर भेज देता है। पर जब शुवे जांग को यहाँ पर देखता है तो वो जाने लगता है, पर वो उसे वहीं पर
रोककर इस वुड को लेने के लिए मनाने लगती है। जिनकी बातें यांग नीचे से सुनने की कोशिश कर रहा था, इतने में बाई भी वहां पर आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।